सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक रिक्रूट जो म्यूजिशियन की एंट्री होती है इंडियन नेवी में, उसमें कैसी वर्क लाइफ होती है सेलर की जो मैट्रिक रिक्रूट करके म्यूजिशियन एंट्री करता है नेवी में। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ चैलेंजिंग तो होगी क्योंकि आप एक डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो चैलेंज के साथ साथ इंजॉयमेंट इसमें होगा क्योंकि आपको जो काम एज म्यूजिशियन करना है वह ब्रास पाइप्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला या बैंड, यह सब की बार बार रेगुलर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस करना है। तो इससे ज़्यादा मेजरली आपका कोई काम नहीं होगा। तो आपको एक जगह से दूसरे जगह, एक नेवल यूनिट से दूसरे नेवल यूनिट, इन परफॉर्मेंस और इन चीज़ों में हिस्सा लेना है। जहाँ पर भी कोई फंक्शन है या जहाँ पर भी कोई डिग्निटरी आ रही है वहाँ पर जाके आपको परफॉर्म करना है। और आप एक नेवल बैंड का हिस्सा बन जाओगे, यूनिट बैंड का हिस्सा बन जाओगे या अपने रीजन के बैंड का हिस्सा बन जाओगे, जहाँ पर आपको छोटे मोटे एक्टिविटीज़ देखने पड़ेंगे। आप सेलिंग नहीं करेंगे अगर आप किसी बैंड का, या अगर आप एक म्यूजिशियन एंट्री में जा रहे हैं तो सेलिंग आपकी नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। और सेलिंग ना होने का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सोशली कनेक्टेड रहते हो और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक यूनिट से दूसरे यूनिट जहां पर भी आपका ट्रांसफ़र है वहां पर अपना एंजॉयमेंट के साथ ड्यूटी कर सकते हो। ड्यूटी क्या है? दिन भर प्रैक्टिस, रिहर्सल करना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना और नई नई धुंस, नेवल ऑर्केस्ट्रा का पार्ट होना, नेवल बैंड सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की जो हेरिटेज परफॉर्मेंस है उसमें जो जो आपको गाने या जो जो म्यूज़िक आपको प्ले करना है वह म्यूज़िक आपको ट्रेन करा जाएगा एक के बाद एक। हर समय, हर साल आपकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होती रहती है ताकि आपकी परफॉर्मेंस और आप नेवल को, नेवी को एक अच्छे शोकेस करो लोगों के आगे, आप लोगों के आगे एक अच्छी परफॉर्मेंस दो ताकि आपके कारण नेवी के चार चांद लगें। और यह डिग्निटरीज और फ्लीट रिव्यूज़ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास एक सेल्फ टाइम अवेलेबल होता है और पर्सनल ग्रोथ आप कर सकते हो आफ्टर, क्योंकि इतना 15 साल की आपको मिनिमम सर्विस करनी है। 15 साल की सर्विस के बाद आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, वो आता, तो आप उसकी ट्रेनिंग या उस पर आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो बहुत अच्छी नौकरी है म्यूजिशियन की, 10वीं पास के लिए, सिर्फ 10वीं पास के लिए। ज़्यादा ग्रोथ और प्रमोशन इसमें बहुत डिले होते हैं, डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड और आपका प्रमोशन कैसा है। जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जैसा आप परफॉर्म करोगे, जैसा आपकी रिपोर्ट्स जाएंगी, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हाँ, इस काडर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आपका फ्यूचर और अच्छा होगा। तो आई होप यह वीडियो का एक रफ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए।